जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग इस क्लास में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जेएसटी के बारे में। जेएसटी का नाम आप सबने सुना होगा। जेएसटी हर जगह लागू है आजकल, और जो पहली बार लागू हुआ था भारत में उसका क्या नाम, सॉरी किस डेट को लागू हुआ जेएसटी, कब से लागू? 1 जुलाई। जेएसटी कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 1 जुलाई। जेएसटी यही का नहीं है, बहुत पहले से और जगह यूज होता था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ। क्वेश्चन आता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था, तो आप आंसर क्या बोलेंगे? असम। कहां बोलेंगे? सबसे पहले आप लिख दीजिए जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और भारत का जो पहला राज्य है जहां जीएसटी लागू हुआ था उसका नाम असम। करो ठीक बताओ बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वहाँ लक अच्छा है ये भी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मतलब कुछ बाद में, बाद में बताने के लिए बोले कोई भी क्या कर रहा है, क्लास नहीं चल रहा है क्या? धीरे वो धीरे जाए फोन कर दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जीएसटी की बात है, चलिए लिख लिया आप लोग ना वो। अब देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, सुनिए ध्यान से। तो एक क्वेश्चन आता है, अब जीएसटी होता क्या है? उसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। देख लीजिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। चलिए अब ये तीन प्रकार देख, जैसे कि होते थे बहुत सारे हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी जो अपने वहां यूज, लेकिन अपने वहां तीन ही टाइप के जीएसटी यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? सी जीएसटी, यस जीएसटी, सी जीएसटी, यस जीएसटी और आई जीएसटी। देखिए सी जीएसटी पहले के, सी जीएसटी क्या वो आप लोग फिर जमा कर रहे थे क्या? दोनों का हो गया। देखिए सी जीएसटी देखिए टाइप्स ऑफ जीएसटी। सी जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अच्छा एक चौथा भी होता है जिसका नाम है यूटीजीएसटी। क्या है? लेकिन वो अपने वहां यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी लिख लीजिए उसके उसके बारे में यूटीजीएसटी। ठीक है यूटी सब कैपिटल में लिखिएगा, यूटी जीएसटी ही में रहेगा आपका। यूटी जीएसटी, यूटी जीएसटी लिख लीजिए आप लोग यूटी जीएसटी। चलिए यूटी जीएसटी का मतलब क्या होता है? यूटी का मतलब क्या होता है?
आपको बताया था मैंने यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों, यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। मतलब यूटी जीएसटी का यूज कहाँ होता होगा आप समझ गए होंगे। आपको यूटी मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी होता है। साइड में लिख लीजिए यूटी का फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। टेरिटरी TERRITORY टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा ठीक है, वो पिंडे को लिख गया होगा, सही हो गया ना, लिख लिया आप लोग। तो अपने वहां क्या यूज होता है बच्चों, सीबीएसई जीएसजीएसटी और आईजीएसटी, याद रखिएगा। तो सीजीएसटी या जीएसटी जो होते हैं, जो उसका है स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देना होता है ये टैक्स। तो जब भी लगते हैं सीजीएसटी या जीएसटी एक साथ लगते हैं, और आईजीएसटी अकेले लगता है। अब ये फर्क होता है कि कब लगाते हैं, तो जैसे कि हमारा बिजनेस कहाँ है ये चीजें मैटर करती है। अगर हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश, हम कहाँ के हैं ये मैटर नहीं करता है। अगर हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और हम उत्तर प्रदेश से ही कोई चीज खरीदते या बेचते हैं, तो हम कौन सा टैक्स देते हैं या लेते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी। और उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी प्रदेश से आप कोई चीज खरीदेंगे या बेचेंगे तो आईजीएसटी। या लिखिए लिखिएगा कि सेम स्टेट में अगर कोई चीज परचेज या सेल्स करते हैं, लिखिए अगर सेम स्टेट में कोई चीज परचेज या सेल्स करेंगे सेम स्टेट में परचेज या सेल्स करेंगे तो हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। हो गया, हाँ सीजीसी एसटी का यूज करेंगे, लिख लिया आप लोग सीजीसी एसटी का यूज करेंगे। और अगला लिखिए कि दूसरा पॉइंट लिखिए कि अगर किसी अदर स्टेट से हम कोई चीज परचेज या सेल्स करेंगे तो क्या कौन सा टैक्स देंगे, समझ में आ गया आप लोगों हाँ, कि आप कहाँ के हैं ये मैटर नहीं करता है, आपका बिजनेस कहाँ का ये मैटर करेगा। मान लीजिए आपका बिजनेस वहां है महाराष्ट्र में, आपका बिजनेस कहाँ है, लेट अज्यूम कि आपका बिजनेस कहाँ है महाराष्ट्र में मुंबई में। तो अगर आप मुंबई से कोई चीज खरीदेंगे बेचेंगे तो कौन सा टैक्स देंगे, हाँ सीजीएसटी एसजीएसटी देंगे। अरे भाई आपका बिजनेस महाराष्ट्र में ना है, हमने ये थोड़ी कहा उत्तर प्रदेश में। अगर महाराष्ट्र में आपका बिजनेस है, उत्तर प्रदेश से कोई चीज खरीदेंगे तो महाराष्ट्र से ही खरीदेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी। समझ में आ गया ना, आपका बिजनेस कहाँ है ये मैटर करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना, ठीक है याद रखिएगा। चलिए आगे चले, चलिए अगला देखिए
सीजीसी समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, तो उसका स्लैब रेट मैं बना रहा हूँ तो उससे ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसका स्लैब रेट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने वहां वही सब यूज होता है सीजीएसटी, सीएसटी और आईजीएसटी, दिक्कत होता क्या है? देखो टैक्स रेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट टैक्स यहाँ इकट्ठा 10 रुपए दे देंगे तो यहाँ आधा आधा बांट करेंगे, यही होता है। अगर मान लो आप किसी को 5 रुपया सीजीएसटी दे रहे हो, 5 रुपया एसजीएसटी दे रहे हो, तो यहाँ पूरा दे देंगे उठा के इकट्ठा, अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे कि मान लो कि तो ऐसे मतलब ऐसे एज्यूम करने के लिए किए हैं, मान लीजिए आप कहीं टैक्स दे रहे हैं किसी को 18% आईजीएसटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 18% आईजीएसटी, लेकिन अगर अब उसको सीजीसी में देना हो तो क्या देंगे 9%, 9%। अगर किसी को 5% दे रहे हैं तो लोग कितना देंगे 2.5%। समझ में आ गई बात ना? ये बस यही होता है कि आधा देंगे, जैसे समझो सीजीसी दो भाई है आईजीएसटी, अपने माँ बाप का अकेला है तो अकेला एक रोटी खाता है, दो भाई आधा रोटी बांट के खाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, बस यही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होने वाला है। अमाउंट बराबर ही टैक्स देंगे, बस ये नाम बदल जाएगा, एक वर्ड यूज किया जाएगा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट और एक यूज किया जाएगा इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और एक यूज किया जाएगा इंटर स्टेट। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका नाम इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है बच्चों स्टेट, एस टी ए टी, इंट्रा स्टेट का मतलब बच्चों होता है सेम स्टेट, क्या होता है सेम स्टेट, इसे आप लोकल का नाम दे सकते हैं, लोकल भी कह सकते हैं। और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब होता है अदर स्टेट, क्या होता है अदर स्टेट। जिसे आप इंटर स्टेट कह सकते हैं। लिख लीजिए फटाक से, आपसे कोई पूछेगा क्या, आपसे क्या पूछेगा कोई कि आप कौन सा सेल कर परचेस कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट की इंटर स्टेट, तो इंट्रा का मतलब सेम स्टेट से और इंटर मतलब अदर स्टेट से, जब इंट्रा स्टेट रहेगा या सेम स्टेट रहेगा तो क्या देंगे आप सीजीएसटी या एसजीएसटी, दोनों देंगे एक साथ, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ देंगे, और इंटर स्टेट रहेगा यानी अदर स्टेट रहेगा तो आईजीएसटी एक साथ देंगे, अकेला देंगे आईजीएसटी, अकेला लगता है। समझ में आ गई बात ना? लिख लीजिए निकालना
हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को ना? और इसमें डीलर वाली बात आती है, क्या बात आती है? डीलर वाली बात आती है। दो टाइप के डीलर होते हैं, कितने टाइप के डीलर होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से डीलर होते हैं बच्चों? तो एक होता है रेगुलर डीलर और एक होता है कंपोजिशन डीलर। क्या होता है? रेगुलर डीलर होता है और एक क्या होता है? कंपोजिशन डीलर। सुनिए, एक होता है रेगुलर डीलर और एक होता है कंपोजिशन डीलर। कितने डीलर होते हैं? रेगुलर, रेगुलर लिख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डीलर, दो डीलर होते हैं, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। हो गया। अब कैसे पता नहीं है कौन रेगुलर डीलर होता है कौन कंपोजिशन होता है? सुन लीजिए, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है उसको कहते हैं रेगुलर डीलर। क्या बोलते हैं? और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है उसे बोलते हैं कंपोजिशन डीलर। 1.5 करोड़ लिमिट बढ़ गई, पहले 1 करोड़ वाली बात थी, अब बढ़ गई। लिख लीजिएगा आप लोग, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है उसको रेगुलर डीलर, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है उसे कंपोजिशन डीलर। हो गया। तो रेगुलर डीलर कंपोजिशन समझ में आ गया ना? तो रेगुलर डीलर को क्या होता है बाबू? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। क्या कराना होता है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्या कराना होता है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इनको क्या मिलता है? जीएसटीआईएन मिलता है। क्या मिलता है? जीएसटीआईएन का मतलब होता है बाबू, जीएसटी का पूरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, आईएन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म लिख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। Thank you.
हो गया, हो गया। कितने अंक का होता है बाबू? ये 15 डिजिट का होता है, लिख लीजिएगा, ये 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। जैसे पंद्रह अंकों का होता है, जैसे मोबाइल नंबर होता है 10 अंकों का ना, वैसे ही एशियाई नंबर जो होता है 15 अंकों का होता है। पंद्रह हो गया ना, 15 अंक का, जिसमें स्टार्टिंग में दो अक्षर आपके बीच व्यापार का कोड, सॉरी आपके राज्य का कोड होता है 09, आपका स्टेट कोड होता है, क्या होता है? स्टेट कोड, स्टेट कोड। उत्तर प्रदेश का 09 है, बिहार का 01 है, महाराष्ट्र का 27 है, और राज्य का 11 होता है। क्योंकि जैसे जीएसटी का टैगलाइन है कि वन टैक्स वन नेशन, और क्या होता है, वन मार्केट, वन मार्केट वन टैक्स वन नेशन, यही उसका टैगलाइन है। मैं उसका टैगलाइन आपको दिखा दे रहा हूँ, सीधा मैं वहां टीवी बिल पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं सर्च कर दिया हूं, अब शायद आपको दिख जाए। इसको मिटा देना, टीवी बिल पे जाके दिखाने वाले थे, लेकिन चलो ये चला गया। दिख गया क्या लिखा है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यही टैगलाइन है जीएसटी का। देख लीजिए आप लोग, जीएसटी का जो टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। जैसे जीएसटी से पहले भी टैक्स यूज लेते थे हम लोग ना, कौन सा टैक्स देते थे हम लोग? जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स देते थे? अच्छा जीएसटी देता देते थे, वैट नाम था उसका। क्या नाम था? वैट। उसका नाम क्या था? वैट नाम था। क्या था? वैट, वैट, वी ए टी। इसका पूरा नाम था, पहले लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, पहले ये लिख लीजिए, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसका पूरा नाम था वैल्यू एडेड, ए आई ए डबल डी होता है कि एडेड। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, फुल फॉर्म ये दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ए आई होगा, ए डबल डी होगा। पहले लिख लीजिए आप लोग ना, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट।
देख लीजिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स, EDD, एडेड जोड़ना होता है ना, इसलिए एड वाला होगा, वो वाला EID नहीं होगा। हाँ वैल्यू एडेड टैक्स होता है। जीएसटी से पहले यही देते थे हम लोग, क्या वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ यस सर। तो कितने अंक का होता है बच्चों? मैंने कहा कि 15 अंक का होता है, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में दो क्या होते हैं, स्टेट कोड होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट कोड, ST A, ST A T, स्टेट कोड। अब बाकी इसके बाद 10 जो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होते हैं पैन नंबर। क्या होते हैं? पैन नंबर होता है। और आखिरी के जो तीन होते हैं, 1, 2, 3, वो होते हैं आपके बिजनेस कोड। क्या होते हैं? बिजनेस कोड, जिसमें होता है चेकसम डिजिट होता है, एंटिटी कोड होता है, ब्लैंक होता है, वो बताऊंगा मैं कल डिटेल में आप लोगों को स्लाइड दिखा के। फिलहाल में इतना लिखना, लिखना चाहते लिख सकते हैं आप लोग ऐसे बना के, वो तो आपके फाइल में दिया हुआ है, वो मैं बताऊंगा अभी कल और डिटेल में। बस आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? तो दिक्कत है, समझ में आया जीएसटी का मतलब? हाँ मैंने कहा था घर से पढ़ के आने के लिए, पढ़े थे आप लोग? सलामुद्दीन क्यों नहीं आ रहा बाबू? नंबर है ना, कॉल करिए इसको। चलिए आज की क्लास में इतना ही, ठीक है।